वेलकम टू ब्रोटोमोटिव, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित और आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग वीडियो लेके आए हैं। यहां पर हमारे पास दो किया सेल्टॉस आई, ये मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं रेड किया सेल्टॉस, इस पर हमने फुल कार पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई किया है। दूसरी गाड़ी जो हमारे पास आई वो ब्लैक कलर की किया सेल्टॉस है जिस पर हमने सिरेमिक कोटिंग किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और सिरेमिक कोटिंग, ये दोनों प्रोटेक्शन कराने में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों किस बजट और प्राइस पॉइंट पे आती हैं और किसका क्या एडवांटेज है। तो चलिए पहले इस रेड किया सेल्टॉस का फुल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन का वीडियो देखते हैं। पर उससे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कास्ट 24 एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी यूज कार बेस्ट प्राइसेस पर बेच सकते हैं। आप www.cast24.com पर जाकर अपनी गाड़ी का एस्टिमेटेड वैल्यू पा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लिंक दिया हुआ है और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद स्टोर विजिट करके आप गाड़ी का इंस्पेक्शन करा सकते हैं और फिर अपनी गाड़ी हैसल फ्री तरीके से कास्ट 24 को बेच सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी बिना टेंशन लिए बेस्ट प्राइसेस पर बेचना चाहते हैं तो आज ही कास्ट 24 को कॉन्टैक्ट कीजिए। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स तीन टाइप की आती हैं। पहली जो है वो पीवीसी पीपीएफ से बनी हुई फिल्म है, ये काफ़ी पुरानी फिल्म्स होती थी, आज भी कई जगह यूज़ होती हैं पर इतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पीवीसी पीपीएफ का डिसएडवांटेज ये है कि कुछ टाइम बाद पीवीसी पीपीएफ पीला पड़ जाता है। सो शुरू में आपको ग्लॉस बहुत अच्छा मिलेगा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑक्सीडेशन होके धूप के कारण येलो पड़ जाएगा, तो वो पीपीएफ हम आज के टाइम में अवॉइड ही करते हैं, वो पीपीएफ हम यूज़ नहीं करते हैं। पीवीसी पीपीएफ में सेल्फ फिलिंग एबिलिटीज भी नहीं होती हैं। दूसरा जो पीपीएफ है वो पॉलीयूरेथीन का पीपीएफ है और तीसरा जो पीपीएफ है वो टीपीयू पीपीएफ है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन। आज के टाइम में टीपीयू पीपीएफ सबसे एडवांस पीपीएफ अवेलेबल है, सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन भी यही ऑफर करता है और टीपीयू फिल्म्स में सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज भी आती हैं। अगर मैं आपको सेल्फ हीलिंग फिल्म्स के बारे में बताऊं तो जो गाड़ी पर स्वॉल मार्क्स आ जाते हैं जब गलत तरीके से गाड़ी वॉश होती है या गंदे कपड़े से गाड़ी को साफ किया जाता है और जो स्वॉल मार्क्स गाड़ी पर आ जाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की सेल्फ हीलिंग टीपीयू फिल्म के ऊपर जब धूप पड़ेगी या गर्म पानी डलेगा या किसी भी तरीके की हॉट एयर ब्लो की जाएगी तो वो सारे स्वॉल मार्क्स गायब हो जाएंगे। अब अगर टीपीयू फिल्म की मैं बात करूं तो मार्केट में 120 माइक्रोन से लेके अप टू 180 से 200 माइक्रोन तक थिकनेस की ये फिल्म्स आती हैं। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा थिक फिल्म होगी तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, पर हमें यहाँ पर समझना है कि एक 3D ऑब्जेक्ट पे हम एक 2D फिल्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिल्म टर्न भी होने वाली है और बेंड भी होने वाली है। तो अगर पीपीएफ ज़्यादा थिक होगा तो ये फिल्म ठीक तरीके से नहीं बैठ पाएगी और वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हमको चूज़ करनी है वो 120 टू 160 माइक्रोन की फिल्म चूज़ करनी है, ये ब्रैकेट सबसे अच्छा ब्रैकेट है। अब 160 माइक्रोन की जो थिकनेस है उसमें करीबन 25 माइक्रोन का सेल्फ हीलिंग कोट रहता है। तो कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर ये 25 माइक्रोन का सेल्फ हीलिंग कोट है तो क्या ये पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि जिस तरीके का डैमेज गाड़ी झेलेगी उस हिसाब से उसका प्रोटेक्शन रहेगा। अगर गाड़ी को बहुत रफ यूज़ किया जाता है तो वो सेल्फ हीलिंग कोट में भी 3-4 साल में ख़त्म हो जाए और अगर गाड़ी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो वो सेल्फ हीलिंग कोट आपको 10 साल तक भी चल सकता है। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये पेंट से भी ज़्यादा थिक होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो अगर किसी ने चाबी लेके भी पूरी गाड़ी घस दिया, किसी ने स्क्रू ड्राइवर से भी घस दिया या किसी ने नाम लिखने की कोशिश की तो वो मार्क्स पीपीएफ ले लेगा, वो पेंट तक नहीं जाने देगा।
अच्छी क्वालिटी के पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स प्री सेरामिक कोटेड भी रहते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज ऑफर करते हैं। उसी के अलावा केमिकल एंड एसिड रेजिस्टेंस में भी पीपीएफ बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का पीपीएफ लगा रहे हैं। मार्केट में जो अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे एजिस, हेक्सिस, 3M का वेंचर शील्ड या फिर लूमार का प्लैटिनम सीरीज या फिर एक्सपेल का अल्टीमेट प्लस, ये कुछ ए ग्रेड पीपीएफ्स हैं जो केमिकल रेजिस्टेंस एंड एसिड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे ऑफर करते हैं, बहुत हाई ग्लॉस ऑफर करते हैं। ऑरेंज पील इनमें बहुत कम होता है, तो इन फिल्म्स का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छे क्वालिटी के टीपीयू पीपीएफ धूप में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पीले नहीं पड़ते हैं और कड़क नहीं होंगे, पील ऑफ नहीं होंगे, पैची नहीं होंगे। पीपीएफ करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जब भी पीपीएफ कराना है हमें नई गाड़ी पर पीपीएफ कराना है, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, जब गाड़ी चलेगी कभी पत्थर आके लगते हैं, स्टोन चिपिंग होती है, पेंट डैमेज हो जाता है, तो जब अगर एक बार पेंट डैमेज हो गया तो पीपीएफ करने का एडवांटेज कम हो जाएगा। पीपीएफ का गम इतना स्ट्रांग रहता है कि अगर आपने रीपेंटेड पैनल पर पीपीएफ बिठाया, इन केस जहां पर रीपेंटेड पैनल प्रॉपरली पेंट बूथ में क्योर नहीं हुआ है, तो जब उस पीपीएफ को हम निकालेंगे तो वो पेंट भी उखाड़ देगा। तो पीपीएफ उसी टाइम कराना है जब गाड़ी नई है, ताकि जो ओरिजिनल फैक्ट्री फिनिश पेंट है उसको हम लंबे टाइम तक बरकरार रख सकें। पीपीएफ के मेजॉरिटी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो चलिए अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में चलते हैं, जहां पर हमने ब्लैक किया सेल्टॉस को, सेरामिक कोटिंग किया है, हम सेरामिक कोटिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फाइनली दोनों चीजों का बजट डिस्कस करेंगे। जो पैकेज इस गाड़ी पर चूज हुआ है वो है हमारा सफायर पैकेज। तो सिरामिक कोटिंग का जो प्रोसेस शुरू होता है वो पहले पेंट करेक्शन से शुरू होता है। अब सेरामिक कोटिंग मल्टीपल लेयर ऑप्शंस में आते हैं। कई कोटिंग्स एक 9H का लेयर और एक टॉप कोट का लेयर के साथ आते हैं, कई कोटिंग्स दो 9H के लेयर्स एक टॉप कोट के लेयर के साथ आते हैं, और साथ ही में हमारा 10H हार्डनेस वाला प्रीमियम पैकेज भी है जिसको हम डायमंड पैकेज बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे सेरामिक कोटिंग्स कराने का। सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, जो 9H का जो डाउट है लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि ये 9H नैनो कोटिंग, 9H डायमंड कोटिंग या नैनो डायमंड कोटिंग, ये सब एक ही कोटिंग है, लोग इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। 9H जो है वो कोटिंग का हार्डनेस है। तो जहाँ पर हम डिफरेंट पेंट्स की बात करें, जैसे एक BMW 7 सीरीज का पेंट काफ़ी हार्ड होता है कंपेयर टू एक मारुति या हुंडई के पेंट से, उसी तरीके से ये जो 9H कोटिंग है ये जब पेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्रिस्टलाइज होके एक हार्ड लेयर बना देती है जो हमारे पेंट को प्रोटेक्शन ऑफर करता है। तो सेरामिक कोटिंग पेंट के पोर्स के बीच में जाके बैठ जाती है और अंदर जाके भी और ऊपर भी एक लेयर क्रिएट कर देती है जो पेंट को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बताया, 9H हार्डनेस, ज़्यादा हार्ड होने की वजह से ये स्क्रैच रेजिस्टेंट रहती है। ये डाउट मन में मत रखिएगा कि ये स्क्रैच प्रूफ कोटिंग है, नहीं, ये नहीं है।
ये स्क्रैच रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो जहां पर आपका पेंट यूजुअली वो डैमेज लेगा वहां पर सेरामिक कोटिंग वो डैमेज ले लेगी। एसिड एंड केमिकल्स के अगेंस्ट सेरामिक कोटिंग बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जब आपकी गाड़ी पर बर्ड ड्रॉपिंग गिरती है तो उसका पीएच वैल्यू 2 से 2.5 के बीच में रहता है। सेरामिक कोटिंग कर लेने के बाद ये एक तरीके का नॉनस्टिक लेयर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो बर्ड ड्रॉपिंग है वो पेंट के अंदर नहीं जा पाता, तो उसकी वजह से पेंट डैमेज नहीं होता। और एक जो सेरामिक कोटिंग का एडवांटेज है, ये बहुत ही ज़्यादा यूवी रेजिस्टेंट रहती है, धूप में पेंट को पीला इजीली नहीं होने देती। वाटर एंड डर्ट रिपेलेंसी सेरामिक कोटिंग का बहुत ही अच्छा होता है। सेरामिक कोटिंग आपकी गाड़ी को एक बहुत अच्छा वेट लुक ऑफर करता है, बहुत ही अच्छा ग्लॉस देता है। सो अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। नेचुरली पीपीएफ ज़्यादा ड्यूरेबल है, पीपीएफ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ का लाइफ बहुत ज़्यादा है, पर दोनों ही बहुत अलग प्राइस ब्रैकेट पे आते हैं। जहाँ पर सेरामिक कोटिंग का बजट अगर आप किसी भी अच्छे डिटेलर से काम कराएंगे तो एक 15,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं, कितने लेयर्स उसमें हैं, कौन सा कोटिंग है। और अगर आप एक अच्छे PPF की बात करें तो एक अच्छा PPF बेयर मिनिमम जो है वो करीबन 70,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और सबसे टॉप प्रोडक्ट जो मार्केट में हैं वो बड़ी गाड़ियों के लिए 2.5 लाख रुपये तक भी जा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द व्हीकल, जितना ज़्यादा मटेरियल यूज होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट वेरी करता है। सो जैसा कि रेड गाड़ी पर आपने देखा हमने पूरी गाड़ी पीपीएफ कर दी, ब्लैक किया सेल्टॉस पर हमने पूरी गाड़ी पर सेरामिक कोटिंग किया है, साथ ही साथ जो डैमेज प्रोन एरियाज है जैसे हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स, डोर के एजेस और हैंडल्स के अंदर जहां पर रोजी नाखून के निशान आते हैं उन एरियाज पर हमने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई किया है। तो यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है हम या तो पूरी गाड़ी पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा लें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो एरियाज पे हम ज़्यादा डैमेज देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि सिर्फ हेडलाइट भी हो सकती हैं, टेल लाइट्स भी हो सकती हैं, या फिर डोर के एजेस हो सकते हैं, हैंडल के अंदर हो सकते हैं, आपको चाहिए तो आप बम्पर्स भी ले सकते हैं पीपीएफ में और बॉनेट भी ले सकते हैं, तो ये सारे एरियाज पे आप पीपीएफ लगा सकते हैं और बाकी की गाड़ी पर सेरामिक कोटिंग करा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम पूरी गाड़ी पर सेरामिक कोटिंग कर दें और पीपीएफ कहीं पर भी ना करें। तो ये 3 ऑप्शन सब बजट को कैटर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 15,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का ऑप्शन है जो आपको हमारे पास भी मिलता है और किसी अच्छे डिटेलर के पास भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं या आप किसी गाड़ी को रिजुविनेट करना चाहते हैं तो किसी भी डिटेलर के पास आप जाएं, सबसे पहला कंसिडरेशन होना चाहिए बजट। तो आपका जो बजट है उस हिसाब से आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट एक मैटर करता है वो है अवेयरनेस। हो सकता है आपका बजट बहुत अच्छा हो पर आपको किसी ने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स के बारे में बताया ही नहीं, तो आपका बजट और प्रोडक्ट्स के बारे में आपका अवेयरनेस, ये दोनों हेल्प करते हैं आपको सही प्रोडक्ट चूज करने के लिए। और तीसरा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कहीं पर भी काम कराएं एक अच्छे डिटेलर को चुनें ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल सके, आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके जो आपको ज़्यादा टाइम तक लास्ट करे। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी और आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कर पाएंगे जो आपकी नई गाड़ी या फिर आपकी पुरानी गाड़ी को एक अच्छा प्रोटेक्शन ऑफर कर सके और सालों साल उसका लुक बनाए रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट विल हेल्प अस ग्रो आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन में प्राइसेस से रिलेटेड सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं, हमारा एड्रेस और हमें कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन भी है, आप वो भी करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. We'll see you in the next video and keep tuning into Brotomotive.